तो आज के इस वीडियो में मैं आपको MX Player के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा, जहां पर आपको प्ले स्टोर MX Player में यहां पर इस तरह से बताता है, जब आप कोर्स फाइल सिलेक्ट करती हैं की कोशिश करती है तो लिखा आता है कांट फाइंड कस्टम कोर्स प्लीज वर्जन, आपको जो यूज़ करना है वहां पर आगे लिखा है 14408। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अगर आपके फ़ोन में दूसरा कुछ आ रहा है तो आप उस वर्जन को डाउनलोड कहाँ से कैसे करोगे, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और ध्यान से वीडियो को देखें। इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। यहाँ पर मैं आपको क्रोम ब्राउज़र खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब आपका जो वर्जन है वो यहाँ पर लिखना है, एंड आके आपको MX Player ज़रूर लिखना है। फिलहाल हमें 4 करना है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, और आगे आपको इस तरह से लिखना है। आप जो है डायरेक्ट सर्च कीजिए। अब यहाँ पर आपको कई सारी वेबसाइट मिलती है, आप इन वेबसाइट के ज़रिए जो है फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है फाइल्स की डाउनलोड के लिए आपको कई तरीके की वीडियोस भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिसमें डायरेक्टली आपको ड्राइव वाले मतलब गूगल ड्राइव की फाइल्स वगैरह मिल जाती है, जिसमें आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट्स के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं वेबसाइट के अंदर आप ओपन हो जाओगे, और यहाँ पर आपको कस्टम कोड्स वगैरह डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको जो कोड चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें।